Let's start. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. This is our lecture number 7 on psychometric and air conditioning. So let's start with numerical. This is example number 4 for air conditioning system. Let's say what says in this example. An air conditioning air handling unit in a air conditioning plant supplies a total of 4,500 meter cube per minute of dry air, which comprises the mass of 20% of fresh air and at 40 degree dBT and 27 degree centigrade WBT, and 80% recirculated air at 25 degree dBT and 50% relative humidity. The air leaves the coil at 13 degree centigrade saturated. Calculate the total cooling load and room heat gain. A specific volume of air entering the cooling coil is 0.869 meter cube per kg of dry air. Okay, this is what they provide us. लेट से बेसिकली सिस्टम अपना कैसा हो जाएगा, कैन वी से दैट द सिस्टम इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर इनसाइड कंडीशन, दिस इज आउटसाइड कंडीशन. ओके, इनसाइड कंडीशन रिसर्कुलेशन, इनसाइड कंडीशन विथ रिसर्कुलेशन, यहीं से रिसर्कुलेशन होगा. बाहर से जो आ रहा है वो 20% है बोल सकते हैं. जो रिसर्कुलेटेड हो रहा है वो है आपका 80%, 70 to 80%. 70 to 80 नहीं, इट इज गिवन 80%. नहीं नहीं, हाँ 20, हाँ 20% ऑफ फ्रेश एयर, दैट मींस 20% ऑफ फ्रेश एयर इज कमिंग, 80% ऑफ रिसर्कुलेटेड एयर. नाउ दिस इज योर मिक्सिंग कंडीशन, लेट्स से ए मिक्सिंग कंडीशन, एंड दिस इज नथिंग बट योर सप्लाई कंडीशन. सप्लाई कंडीशन क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक डाउट है तो बोलो. क्लियर है? यस सर. ओके, ओ का कंडीशन मतलब आउटसाइड कंडीशन इज गिवन. आउटसाइड कंडीशन गिवन है क्या? यस सर. क्या है आउटसाइड कंडीशन जल्दी बताना. DBT 40 degree Celsius. Okay, outside condition that is DBT is equals to 40 degree centigrade WBT and WBT is equals to 27 degree centigrade. Now next, inside condition is given. Yes. 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 Okay, tell me inside condition. 25 degrees Celsius DBT. DBT is given as a 25 degrees Celsius or humidity. Relative humidity 50%. Relative humidity 50%. So on psychometric chart, your step number one is the draw the outside and inside. Two points. Outside and inside condition. Can you draw the outside and inside condition? Outside condition, yes, sir. Is 40 degree centigrade and 40 degree centigrade 27 degree Celsius. Okay, 40 means, can you say that over this line, and 27 25 26 27. Okay, is this the point? Yes sir. This is your point of outside condition. Okay. Can you draw the inside condition? What is the condition for inside? 25 degrees Celsius, 50% relative humidity. 25 degrees Celsius, 50% relative humidity. Okay. 21, 22, 23, 24, 25 and 50% relative humidity. Can we say that this is your inside condition? Yes. Okay. Just draw a line from outside and inside. This is the line
of outside and inside. आप अच्छे से draw करना, मेरा थोड़ा ये टॉयलेट में क्या करूं? ये लाइन मैंने ड्रॉ किया आउटसाइड टू इनसाइड। नाउ अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज योर आउटसाइड कंडीशन। मैंने सबको म्यूट किया है, एक दो लोग अनम्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रहा था आवाज में। दिस इज योर आउटसाइड कंडीशन, दिस इज योर इनसाइड कंडीशन। नाउ आउटसाइड कंडीशन एंड इनसाइड, रिसर्कुलेटेड का इनसाइड था, इसका आउटसाइड था, ये दोनों क्या हुआ आपस में, मिक्स हुआ। जब भी कभी मिक्सिंग होगा तो जो दो लाइन इस दोनों को आपस में मिक्स कर रहा है, फिर से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करो अपने को। हाँ, ये जो लाइन जो एक आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है आउटसाइड और इनसाइड, तो जो मिक्सिंग पॉइंट होगा मिक्सिंग होने के बाद, वो हमेशा आपको इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। इज इट क्लियर? मिक्स होने के बाद जब आउटसाइड इनसाइड कंडीशन को आप जब मिलाते हो आउटसाइड से इनसाइड, और वहीं पर मिक्सिंग हो रहा है, कभी भी मान लो कि एक स्ट्रीम है जो मैंने याद करो कि बताया था मिक्सिंग वाला, लेट्स से मैंने बताया था आपको कि दो स्ट्रीम आपस में आ रहे हैं, और ये जहां मिक्स होंगे तो इसका एक कंडीशन होगा, लेट्स से दिस इज कंडीशन नंबर वन, दिस इज कंडीशन नंबर टू, और ये होगा कंडीशन नंबर थ्री। तो कंडीशन नंबर थ्री जो होगा, कंडीशन नंबर वन और टू वाले लाइन को जब मिलाओगे, कंडीशन नंबर वन और टू वाले लाइन को जब मिलाओगे, तो कंडीशन नंबर थ्री इसी बीच में कहीं को भी होगा, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में ही होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो now we have to draw the after mixing. After mixing the point is A. After mixing your point is A. Now is there any information given regarding point A? पढ़ो थोड़ा, कोई बताओ मुझे। सर वो वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द कूलिंग कॉइल इज 0.869, दैट मीन्स एंटरिंग द कूलिंग कॉइल, ये कॉइल से पहले जो एयर एंटर कर रहा है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम अपने को दिया है। क्लियर है? हाँ सर। दैट मीन्स पॉइंट नंबर ए का स्पेसिफिक वॉल्यूम अपने पास है 0.869, तो कैन वी से दैट 0.87, तो 0.87 स्पेसिफिक वॉल्यूम सर्च करो, वेयर इज 0.87, दिस इज 0.848687, कैन वी से दैट दिस इज योर 87? बोल सकते हैं क्या? हां सर। दिस इज योर पॉइंट नंबर ए, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज पॉइंट नंबर ए। कोई डाउट है? नहीं। Now that it is given that, okay. Now it is given that
पॉइंट नंबर ए, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग सप्लाई कंडीशन? यस सर, एयर लीव्स कूलिंग कॉइल, एयर लीव्स द कूलिंग कॉइल एट एट 13 डिग्री सैचुरेटेड. नाउ सैचुरेटेड इटसेल्फ मींस इट इज गिवन मेनी ऑन द कर्व, दैट मींस इट इज ऑन द कर्व 13 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द कर्व. ओके, लेट्स से 13 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द कर्व, 13 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द कर्व, दैट इज 10 11 12 13. कैन वी से दैट दिस इज योर सप्लाई कंडीशन? यस सर. नाउ दिस इज योर what you say mixing condition, and after that it goes something like this. This is your supply condition. This is the psychometric chart, psychometric diagram that you have to draw. Isme koi dikkat hai kaise draw hua? Nahi, sabka clear hai? Nahi sir. Ek baar ye draw ho gaya to ab aap problem pad sakte ho, ab aap problem ko nikal sakte ho. Kya kya pucha hai? Calculate the total cooling load. Cooling load kahan par hoga bhai, जल्दी बताना. कूलिंग लोड कहाँ पर होगा? टोटल कूलिंग लोड कॉइल पे, कॉइल पे. कॉइल का कूलिंग लोड कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ. जितना फॉर्मूला, फॉर्मूला, एंथैल्पी ड्रॉप किया. यस यस, गिव मी द फॉर्मूला. एट सर, एच मास, एम ए मास जो कि यहाँ से सप्लाई होगा, इनटू, अब बोलो. यस केतन, बोलो बोलो बोलो. एचएस माइनस एचएस माइनस एचए. कोई डाउट है इसमें? नहीं, बस इसी को निकालना है. एमए कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. एमए कैसे निकालेंगे? गिव मी द सिचुएशन फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एमए. सर वो वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम कौन से कंडीशन का दिया है? केजी पर मिनट में वॉल्यूम दिया है आपको. यस यस, दिस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज गिवन. यू हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर ए. ए का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, बराबर? यस सर. यस, यू कैन इजीली फाइंड द मास ऑफ एयर. मास ऑफ एयर इज टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4500 divided upon by 60 into 0.8, how much it is? 869 something. 8. Yes sir. 869. Give me the value. 86.30. Unit. Kg per second. Kg per second. Okay. Now you can provide me what is the value of HS? HS. HS. यहाँ का enthalpy बता सकते हो? अरे सिर्फ 38 बताना. HS बता सकते हो? 36. हाँ तो value मत बताओ. अच्छा, आप लोगों के पास psychometric chart है क्या? Draw कर रहे हो क्या? नहीं सर, आप किस पे से बता रहे हैं? मैं इस पे से बता रहा हूँ. 37. 36 सर, 32, 34, 36, 37, 37 है. दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, ज़ूम करके देख रहे हैं सर. 37 सर. हाँ, 37. 37, 37. 37 है. So HS is 37. यूनिट पर केजी. ओके, एचएस हो गया. और क्या था वो? एचए निकालना था ना. एचए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचए? फिफ्टी एट. Let's say it is 58. So what is the value of total cooling capacity? 858.06. 58 minus 37. How much it is? 858.06. 858.06 unit.
किलोवाट ओके किलो जूल पर सेकंड बोल सकते किलोवाट एंड इन टीयर डिवाइडेड बाय 3.57 बताओ वैल्यू डिवाइडेड बाय 3.517 243.976 क्लियर हुआ सर वो 1812 आ रहा है हाँ सर क्योंकि वाली 1812 क्योंकि वैल्यू 1812.3 आ रहा है आप ही निकाल रहे हो मैं तो निकाल नहीं रहा हूँ ठीक है ले लेते हैं और इन टीआर उसका आंसर 5 आर में सर 5 यहाँ का वैल्यू फिर से बोलो 1812.3 और टीआर में 515.29 ओके क्लियर हुआ यस सर यस नाउ गोइंग फॉर सेकंड एक क्वेश्चन पूछा है रूम हीट गेन कोई बताएगा मुझे रूम हीट गेन कैसे निकालेंगे सर चेंज इन हीट गेन कैसे निकालेंगे मास ऑफ आउटसाइड इनटू डेल्टा एच मास ऑफ आउटसाइड एयर इनटू डेल्टा एच मतलब जितना आप फ्रेश एयर को कूल कियो उतना ही बराबर और डेल्टा एच कैसे निकलेगा डेल्टा एच ओ रिसर्कुल H2 कहाँ है यहाँ पर थोड़ा बताना वो नहीं सर सप्लाइड सप्लाई का और एंट्रेंस का सर एंट्रेंस का कौन एच एस एच एस माइनस यहाँ से आया है सप्लाई फ्रेश एयर और उसको ठंडा किया आप एच एस तक तो इसको क्या हो जाएगा एच एस माइनस एच ओ सिंपल ठीक है सो मास ऑफ आउटसाइड एयर दैट मीन्स फ्रेश एयर इनटू एच एस माइनस एच ओ सिंपल सा है निकाल सकते हो चलो बता दो जल्दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ओ एम ओ का वैल्यू कैसे निकलेगा तो एम ओ इज नथिंग बट 20% है टोटल का 0.2 मल्टीप्लाई बाय टोटल मास इज 86.30 कितना 17.26 एंड ये कितना लगेगा एमओ हो गया देन आफ्टर एच ओ हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ओ एट्टी फाइव होगा क्या नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूम हीट गेन एंड दैट इज इक्वल्स टू एम ओ इनटू एच ओ माइनस एच एस सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ओ एम ओ इज 17.26 मल्टीप्लाई बाय एच ओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ओ HO is 85 minus what is the value of HS 37 calculate 828.48 sorry 828.48 समझ में आया कैसे सॉल्व किए टफ था नहीं ओके जल्दी से अब ये वाला आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे आप लोग बताओगे सर ये करो वो करो जल्दी से प्रॉब्लम पढ़ लो ए कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ 16 सीटिंग कैपेसिटी 60 लोगों के बैठने का जगह है इज टू बी एयर कंडीशन फॉर कंफर्ट
conditions of 22 degree dBT and 55% relative humidity. The outdoor condition is 32 degree dBT and 22 degree WBT. The quantity of air supplied is this. The comfort condition are achieved first by chemical dehumidification and by cooling. Determine, okay, determine तो बाद में. चलो क्या लिखूं मैं? Given. हाँ, given तो लिखूंगा ही. Given में क्या लिखूं वो बताओ ना. Sir, inside condition. चलो किसी ने तो भी बोला inside condition लिखिए sir. Okay, what are the inside condition? Sir, 22 degree Celsius. DBT. DBT 22 degree Celsius. RH 55%. RH 55%. Okay. Or outside condition. Outside condition. Outside condition. How much? 32 degree DBT. DBT to DBT. DBT is given as 32 degree centigrade. WBT 22 degree Celsius. 22 degree Celsius. Or bolo. Or kya karna hai aap? Next step. Sir, वो quantity of air supplied. Air supplied. Multiplied by 60 कर लो ना सर यानी total आ जाएगा. Air supplied यानी चलो V, sorry Vs. Vs is given as कितना? 0.5 into 60. 0.5 into 60. 0.5 into 30 meter. 15 meter cube. That is 30 meter cube per minute. 30 meter cube per minute. और कुछ करना है अभी आगे आगे क्या करूं बोलो आप प्लॉट कर हम बाईपास प्लॉट करते हैं प्लॉट करना है क्या प्लॉट करूं आप ही बोलो चलो प्लॉट करते हैं क्या प्लॉट करना है सर ये डायरेक्टली ले तो नहीं चलता ना क्या बेटा कुणाल क्या सर वो मीटर क्यूब पर सेकंड में लेते हैं ना वैसे भी हां तो डिवाइडेड बाय 60 भी कर लेते हैं ना अच्छा वो भी कर लेना है क्या जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है वही आएगा ना सर फिर डिवाइड नहीं मतलब 60 कैंसिल हो जाता 0.5 मीटर की पर सेकंड हो जाते हैं हां करना यही है लास्ट में यही करना ही पड़ता मैं बस वेट कर रहा हूं आप लोग का आंसर का चलो मीटर क्यूब पर सेकंड क्लियर यस अब क्या करना है अब ड्रा करने चलें यस ओके बोलो क्या ड्रा करना है जो बोलोगे वही ड्रॉ पहले इनसाइड कंडीशन क्या है इनसाइड कंडीशन 22 डिग्री सेल्सियस 55% ह्यूमिडिटी 22 डिग्री सेल्सियस 55% 22 डिग्री सेल्सियस 55 50 40 50 55 सही ड्रॉ किया है यस सर ओके नेक्स्ट Is your inside condition? 32 degree Celsius. Is your inside condition? Inside? Yes, sir. Yes, sir. Next is? Outside ke liye 32 degree Celsius DBT. 32 degree Celsius DBT. Or 20 degree Celsius WBT. 20 degree Celsius WBT. 22 सही है यस सो स्टिक वाली लाइन आएगी ना कौन सी वाली लाइन ये डॉटेड लाइन अभी जो आप किन्ने ली ये लाइन जो है ना ये डॉटेड लाइन दिख रहा है क्या आपको हाँ देखो ये 20 पे डॉटेड लाइन दिखा यस सर 21 पे डॉटेड लाइन दिखा Yes, sir. 22. Yes, sir. 23. 23 बोले ना आप लोग. तो सही है ना? हाँ, sir. हाँ, sir. तो doubt क्या है? So this is outside condition. हाँ, अब क्या करो? Join कर दो. 32 है ना, sir. 33 के लिए. Sorry, 32 है क्या? Yes, 32 variable temperature. Or 22. So, आपने 33 लिया है sir. Okay, sorry. 32. यहाँ पर कहीं आएगा?
ऊपर सर, ऊपर सर, हाँ यस सर, सही है क्या? हाँ आप सही है सर। मैं पहले से ही बोलता हूँ तुम लोग इंटेलिजेंट हो, मेरे को आता ही नहीं है तो ये सब दिक्कत। ओके दिस इज आउटसाइड कंडीशन, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड यस सर। अब बताओ आप क्या कर रहे हैं? ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं क्या सर? वो मार्कर वैसे सिलेक्ट करके। नहीं नहीं मैं इस इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं क्या? नहीं ना, नहीं 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 ना सर, डायरेक्टली नहीं। तो फिर प्रॉब्लम पड़े क्या, एक बार फिर से देख ले क्या प्रॉब्लम? हाँ बताओ। वो बीच में कुछ होगा सर उनका। सर द कंफर्ट कंडीशन आज यू फर्स्ट बाय केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन हां एंड बाय कूलिंग कॉइल। हां वेरी गुड, यही है हाइलाइटेड पॉइंट आपका। ये है आपका हाइलाइटेड पॉइंट। चलो बताओ अब इसमें क्या करना है। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन पहले होगा बाद में कूलिंग होगा। बोलो क्या करूं, कैसे प्रोसेस लाइन ड्रा करूं? आउटसाइड कंडीशन से नीचे आएंगे ना, चेक लाइन आएगी सर। कैसे नीचे आएगी? केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है? सर यू डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब प्रोसेस तो वही है ना सर, लेकिन हां केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब प्रोसेस आपका ये वाला होगा। यस सर। कहां तक जाएं? ये कहां पर रुकना है मुझे वो तो बताओ, आगे बढ़ते जाऊं क्या? वैसे भी वॉल्यूम दिया है सर उधर, वो वॉल्यूम दिया है। नहीं नहीं अभी नहीं दिया। ये बताओ ये रुकना कहां पर है? ए सर कंडीशन एक बार न्यूमेरिकल लोगे नहीं, फिर से न्यूमेरिकल लोगे? क्लियर क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ सही है क्या? अच्छा चलो अभी 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 कहा, अभी तो आप जैसा आप बोल रहे हो वैसे कर रहे हैं। डिटरमाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एग्जिट द ड्यूमिडिफायर, मतलब यहाँ का ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता देना है। है ना, यहाँ का ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता देना है। ए का ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता देना है, बराबर? वो तो आउटसाइड का ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, फिर पूछा क्यों? लेकिन चलो हो गया, वो बेवकूफ होगा इसलिए पूछा होगा। चलो ठीक है, वो आंसर आ गया। अब बताओ मुझे कैपेसिटी ऑफ डिह्यूमिडिफायर, मतलब कुछ नहीं, इसमें ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कुछ नहीं करना है, मास ऑफ निकालना है, मास निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम लेके और मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा ओ माइनस ओमेगा ए। ड्यूमिडिफायर की कैपेसिटी वही होगा, मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओमेगा। नहीं सर। हाँ ना सर, बराबर है ना, ड्यूमिडिफायर का कैपेसिटी पॉइंट ए वहां पे नहीं आएगा सर, सर वो उधर जाएगा। किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा ना सर। राइट साइड में क्यों जाएगा सर? अभी जिसने बोला है कि सीधा आएगा उसके साथ लड़ाई कीजिए। This is chemical dehumidification. बेटा chemical dehumidification के लिए मैंने पहले ही बताया है आपको, chemical dehumidification process किसको कहते हैं? It is the process जिसमें heating with dehumidification होगा। Heating with dehumidification याद आया?
अगर सिर्फ ड्यूमिडिफिकेशन रहता तो डायरेक्टली बोलता ना ड्यूमिडिफायर, केमिकल ड्यूमिडिफायर क्यों बोलता? केमिकल ड्यूमिडिफायर मीन्स होता है हीटिंग विद ड्यूमिडिफिकेशन, याद आया क्या? यस सर। तो ये आपका डायग्राम रॉन्ग है, ये लाइन आएगा बेसिकली यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये तब तक जाते रहेगा इस साइड, ये डब्ल्यूबीटी एंथैल्पी को पकड़ लीजिए, ये तब तक नीचे जाते रहेगा जब तक कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से इसको टच नहीं करता है। दिस इज योर पॉइंट नंबर ए, समझ में आया? दिस इज योर पॉइंट नंबर ए, क्लियर हुआ? यस सर। नाउ यू कैन फाइंड द डीबीटी ऑफ पॉइंट नंबर ए, क्लियर हुआ? 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी आएगा तो आप निकाल सकते हो, अब आप प्रोसेस से आप सही आंसर दे सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, पहला आंसर आपका आ जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एग्जिट, मतलब ए का आपको निकालना है डीबीटी। सेकंड इज कैपेसिटी ऑफ ड्यूमिडिफायर, कैपेसिटी ऑफ ड्यूमिडिफायर कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओमेगा। बोलू लिख दू क्या मैं? ओमेगा दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ ड्यूमिडिफायर कैन बी कैलकुलेटेड एज कैपेसिटी क्यू, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिफायर क्यू नहीं बोलते उसको बेसिकली, कैपेसिटी के लिए क्या देखो, सी ऑफ ह्यूमिडिफायर दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, डब्ल्यू ओमेगा माइनस सॉरी ओमेगा ओ माइनस ओमेगा ए, ओमेगा ओ माइनस ओमेगा ए। नाउ मास ऑफ एयर किसका लोगे? तो ओमेगा ए का, ए का लोगे, जो एग्जिट पॉइंट होता है वहां पर कर लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट वी ए। सर मैं क्या बोल रहा है? हाँ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर का काम क्या है? मॉइस्चर ऐड करना या मॉइस्चर रिमूव करना? जी सर मॉइस्चर में क्या लोगे आप? ओमेगा लोगे, ओमेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? जी सर जी सर। वी अपॉन न्यू ऑफ ए, अब न्यू ऑफ ए डायग्राम से देख के आप निकाल सकते हो, सॉरी ए का ये वाला, ये है आपका 0. यहाँ पे ऊपर दिया है सर, ये दिया, ये दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम। शिट नाउ ए पॉइंट का अपने को देखना है, सॉरी ए पॉइंट का अपने को देखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है? ये वैल्यू दिखा है क्या आप लोगों को? उसके ऊपर की लाइन वाला लेना पड़ेगा ना सर? हाँ, ये वाले लाइन का लेना है, तो इसका अगर पता चल जाएगा तो इसका भी पता चल जाएगा ना, शायद मेरे ख्याल से 90 है। हाँ 90 है सर, 90 है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 92 91, दिस इज 92 93 94, सो दिस इज 91 0.915 ले 91 वैल्यू इज, ये कितना निकाले थे आप लोग? 0.5 सो इस वैल्यू इज 0.5 डिवाइडेड बाय 0.915 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओ ओमेगा एस कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? 0.5464 ओमेगा ओ ओमेगा ए, ओमेगा ओ ओमेगा ए। जो भी होगा कुणाल बहुत कुछ कवर करना है तो ये कर लोगे आप लोग? हाँ सर हो जाएगा ना, किसी को डाउट है कि हाँ। नहीं, सर, नहीं होगा करके दिखाओ, तो मैं करके दिखाता हूँ। ओए संकेत बहुत हंसी आ रही है। हो गया क्या? आगे बढ़े? यस सर, नेक्स्ट आगे बढ़े।
कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ ड्यूमिडिफायर तो हो गया, कैपेसिटी एंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल इफ बाईपास फैक्टर इज 0.3। ओके जल्दी बता दो मुझे, यहाँ पर बाईपास फैक्टर दिया हुआ है। ओके ऑब्वियसली बाईपास फैक्टर दिया हुआ है, बाईपास फैक्टर दिया हुआ है 0.3, क्लियर है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाईपास फैक्टर, जल्दी से बता दो, ये डायग्राम देख के कुछ बता सकते हो बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला। DBTI माइनस DBTA सही है क्या? चलो आपको तो डायग्राम ही दिखाना पड़ेगा तभी होगा। कूलिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर, ये कूलिंग कॉइल है आपका, इससे एयर पास हो रहा है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका आई, और ये होता है आपका एडीपी, बराबर। सरफेस टेम्परेचर होता है ना एडीपी। यस अब जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होता है बाईपास फैक्टर का। डीबीटीआई माइनस एडीपी माइनस एडी, क्या 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 फिर से बोलो। डीबीटीआई माइनस एडीपीआई, अच्छा DBTI, वेरी गुड, माइनस ADPI, माइनस ADPI, आई नहीं होता है ADP ही होता है। हाँ ADP होता है। हाँ डिवाइडेड बाय DBTA, DBTA माइनस ADP, DBT, क्लियर है। बाईपास फैक्टर गिवन है, DBTI आपको पता है, DBTA पता है। हाँ यू कैन ए मतलब सर वो ए मतलब सर ये ना। हाँ सर हाँ बराबर सर, पॉइंट ए का। हाँ तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एडीपी। यस यस तो यही तो पूछा है यहाँ पे, देन पूछा क्या है सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर हो गया। दूसरा पूछा है कैपेसिटी, कैपेसिटी हाँ कैपेसिटी का फॉर्मूला बता दो जल्दी जल्दी बता दो कैपेसिटी का फॉर्मूला। एम डॉट किसका कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल। हाँ एम डॉट ए, एम डॉट ए इनटू एचओ माइनस एचआई, इनटू एचओ माइनस एचआई माइनस एचए, सॉरी एचआई माइनस एचए, एचआई माइनस एचए, नहीं सर एचओ माइनस एचआई, एचओ माइनस एचआई, कूलिंग कॉइल का बात हो रहा है सिर्फ, कूलिंग कॉइल यहाँ से यहाँ पर हुआ। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर क्लियर हुआ क्वेश्चन सबके लिए। ओके नेक्स्ट इज, जल्दी से सॉल्व करना है, टाइम नहीं है अपने पास। पढ़ो क्वेश्चन। The following data refer to air condition. Outdoor air condition is given. Comfort condition. Comfort condition मतलब क्या हुआ ये? Inside condition. Okay, inside condition. It is also given. Sitting capacity of hall given है. Amount of outdoor air supply. यहाँ पर क्या multiply कर लोगे आप? सर 0.3 रखेंगे ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 260 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 60 5 ये पॉइंट, ये पॉइंट गया, देन आप 3325 ओके इट इज 5 यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड सेकंड। इफ द रिक्वायर्ड कंडीशन इज अचीव्ड बाय एडियाबेटिक ह्यूमिडिफाइंग, अब यहाँ पे ह्यूमिडिफाइंग है तो कौन सा प्रोसेस कौन सा ये बता दो मुझे, सिर्फ प्रोसेस का नाम बता दो। कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, वेरी गुड, एंड देन कूलिंग, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक ह्यूमिडिफाइंग, दैट मींस ऑब्वियसली इट इज कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, एंड सेकंड इज देन कूलिंग, ठीक है। ठीक है क्या? यस सर। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है ग्राफ,
ए पॉइंट डिफरेंस इनसाइड आउटसाइड क्या है 40 आउटडोर कंडीशन इज 40 and 20 जल्दी बताना सही मैंने ड्रॉ किया है क्या 40 मतलब चलो सर 30 यहां है 40 है 40 एंड कितना था 20 हां सर 40 एंड 20 कैन आई से हां ये सर योर पॉइंट आउटसाइड पॉइंट वो 20 कैसे क्लियर हुआ नाउ इनसाइड कंडीशन इज योर 20 dBt and 50 RH ओके 20 dBt and 50% RH कैन वी से दिस इज योर पॉइंट यस हाँ अब ये दो को कैसे क्या करेंगे जल्दी बताओ सर पहले ह्यूमिडिफाई होगा वो सिर्फ डायरेक्टली ह्यूमिडिफाई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं नहीं सर तो पहले कूलिंग होगा सर कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन होगा ना कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या सर ये डब्ल्यूबीटी वाला लाइन पकड़ लीजिए या एंथैल्पी वाला लाइन पकड़ लीजिए बराबर हां कहां तक जाइए रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक नहीं, जब आप ऐसे रेंडमली ड्रॉ करो और दूसरा यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है कूलिंग हो रहा है ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड या राइट साइड राइट और ये दो पॉइंट जहाँ पर आपस में मिलेगा दैट इज योर पॉइंट नंबर ए समझ में आया सर फिर से बताना फिर से बता दूं ओके चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो ये यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ये हो गया आउटसाइड कंडीशन ये इनसाइड कंडीशन प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है आपका कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन एंड सेकंड प्रोसेस क्या हो रहा है सेकंड प्रोसेस हो रहा है कूलिंग कूलिंग बराबर कूलिंग हो रहा है तो मान लो कि कोई पॉइंट आया होगा जहां पर भी आया होगा वहां से ऐसे जाएंगे तो कूलिंग होगा बराबर पहला प्रोसेस हो रहा है आपका कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है सर इसको ड्रॉ कर दीजिए इस लाइन के अलावा सर ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन है सर कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि ये लाइन ड्रॉ होगा समथिंग लाइक दिस कोई डाउट है तो बोलो अच्छा कूलिंग उसके बाद यही इसी पर कोई तो एक पॉइंट होगा जहां से कूलिंग करेंगे तो ये पॉइंट अचीव हो जाएगा इसका मतलब कूलिंग का तो यही हो जाता है आपका नाउ कैन वी से दिस इज योर पॉइंट नंबर एट अतुल हां सर डाउट सर वो WBT के अलोंग जाने का है क्या एंथैल्पी के लाइन के अलोंग जाने का है बात है उन दोनों में बहुत माइनर चेंजेस है बहुत माइनर चेंजेस है तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो H के अलोंग जाते हैं एक्चुअल बात करें तो लेकिन WBT के अलोंग भी गए तो कोई दिक्कत नहीं ये दोनों में बहुत माइनर चेंजेस है गलत नहीं होगा क्लियर है अब जो क्वेश्चन पूछा है सॉल्व कर दो एक बार ये ड्रॉ हो गया मतलब क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका चलो देख लेते हैं क्या पूछा है भाई द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल एंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग ये कुछ अपन हाँ सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल बाईपास फैक्टर दिया हुआ है निकाल लोगे क्या हाँ सर निकाल लेंगे या फिर मैं बताऊँ कैसे फॉर्मूला आप बता दो मुझे जल्दी से फॉर्मूला क्या लोगे बाईपास फैक्टर का हां बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला बता दो VPF इज इक्वल टू हां बाईपास फैक्टर इज इक्वल्स टू DBT I माइनस देख लो यहां पे हां पहले देख लो प्रॉब्लम कैसे है हां अब बोलो DBT I माइनस ADP बोलो रजनी सही बोल रही थी
dBT a माइनस adp. dBT a बड़ा है ना, कूलिंग हो रहा है ना. dBT o माइनस adp. dBT a कूलिंग कहाँ पर हो रहा है, ये देखो कूलिंग हो रहा है आपको a से लेके i तक, तो जो भी बात होगा ai और adp के बीच में बात होगा. सर वही बोला था सर पहले, dBT i माइनस adp. हाँ लॉसेज है, लॉसेज है, सॉरी सॉरी लॉसेज है सर. dBT i माइनस adp, adp अपॉन dBT o माइनस o माइनस adp. नीचे कुछ भी लगा दो सर. नहीं समझ में आया क्या, फिर से बताऊं क्या कैसे हुआ ये? नहीं बताओ सर. हाँ सर वो लास्ट नीचे वाली स्टेज में प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? कूलिंग कॉइल के पहले से कूलिंग कॉइल के बाद तक. बाप रे क्या जवाब दिया है, वेरी गुड awesome. ये आशीष का जवाब होगा बराबर ना? हाँ सर. हाँ मेरा ही था सर. मेरे को लग ही गया था तेरा ही होगा. हाँ वो तो होगा ही, लेकिन ये दो पॉइंट कौन सा है भाई मेरे, वो तो बता. वो ए पॉइंट है सर लेफ्ट में, ए पॉइंट है, और ये ओ इन आई पॉइंट आए, आई पॉइंट है सर. हाँ आई आई अच्छा. अब एडीपी बराबर से डीबीटी आई माइनस एडीपी. लॉसेस क्या हो रहा है आपका? लॉसेस होता है डीबीटी आई माइनस एडीपी. हाँ डीबीटी आई माइनस एडीपी अपॉन डीबीटी आई माइनस एडीपी. अच्छी जो करना तो क्लियर हुआ. यस सर. डीबीटी बाईपास फैक्टर दिया हुआ है? दिया है सर. डीबीटी आई पता है आपको? यस. निकाल सकते हो साइकोमेट्रिक चार्ट से डीबीटी दिया है? पता है सर, निकालना पड़ेगा. हाँ निकालना पड़ेगा, वो निकाल सकते हो ना यहाँ ये तीनों. यस सर. अब इससे एडीपी निकल जाएगा. यस एडीपी निकल. और क्या पूछा है? और पूछा है कैपेसिटी ऑफ कॉइल. कैपेसिटी पूछी है. कॉइल जल्दी बता दो कैसे निकालोगे. H A माइनस H A इनटू M डॉट A. M डॉट A इनटू H. H A माइनस I माइनस H A. H A माइनस H A. उल्टा होगा ना सर? नहीं सर बराबर है. H A माइनस H ना फूल हो रहा है ना बेटा. सॉरी H A माइनस H ना बराबर बराबर सर बराबर. क्लियर हो गया. और क्या पूछा है? हाँ The capacity of humidifier and its efficiency. Okay, यहाँ पर ये problem मैंने सिर्फ और सिर्फ efficiency के वजह से लिया. Efficiency के वजह से. हाँ, capacity of humidifier जल्दी बता दो. Capacity of humidifier. M dot A into. M dot A. Omega. Omega A minus omega O. Omega A minus omega O. Very good. Capacity of humidifier हो जाएगा. अगर किसी को doubt हो तो पूछना बीच में. capacity of humidifier हो जाएगा m dot a into omega omega a minus o a minus omega o a minus o या o minus a a minus o ना सर a बड़ा a minus o omega a minus omega o. clear हो गया, ये निकाल लोगे आप? इसमें कोई doubt है? नहीं. efficiency of humidifier जल्दी बताना. efficiency of humidifier क्या होगा? one minus ideal minus actual minus actual upon ideal. ideal याद आया? actual upon ideal. now actual हो क्या रहा है? one to sorry o to i जा रहा है. o to a जा रहा है. sorry o to a जा रहा है. o to a जा रहा है actual. ideally कहाँ तक जाना चाहिए था? O to I. वो I तक जाना था. नहीं, ideally इसको जाना था. Saturated condition. Saturated condition तक. ये point number B. Clear हुआ? Yes. तो बता सकते हो यहाँ क्या लिखूँ मैं? DBT O minus actual. पहले actual हाँ? हाँ. DBT O minus DBT A. DBT A.
डिवाइडेड बाय डीबीटी ओ माइनस ओ माइनस डीबीटी बी माइनस डीबीटी बी बी. सबको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? बताना है फिर से? नो सर. ओके गुड, ये हो गया यहाँ से क्लियर. इसमें कोई डाउट रहा? आगे बढ़े? नो सर. यस सर. ओके नेक्स्ट इज एयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम. ओके अब ये आप लोग में से कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? डायग्राम देखने के साथ ही एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो. सर मैं करता हूँ सर. हाँ बोलो सर. एसी घुसाया बंदे क्या? उसमें एसी घुसाया है मतलब लगा है. हाँ उसमें आउटसाइड एयर अंदर घुस रहा है. आउटसाइड एयर आउटसाइड एयर इन आउटसाइड एयर इज कमिंग इन थ्रू डैम्पर. डैम्पर डैम्पर. हाँ फिर उसके बाद फिल्टर को जाता है सर. नहीं उससे पहले कुछ हो रहा है. पार्टिकल्स कुछ रहेंगे अनवांटेड तो वो प्यूरिफाई हो जाएंगे सर. ओके देन आफ्टर उसके बाद वो कूलिंग कॉइल से पास हो गए सर. हाँ अब यहाँ थोड़ा ट्रिक है. यहाँ पर क्या होगा? ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग मतलब होता है कि साल भर चलने वाला. नाउ इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आउटसाइड एयर का कंडीशन पे. इफ द कंडीशन ऑफ आउटसाइड एयर शोज दैट इट इज विंटर. अगर ये विंटर होगा ठीक है तो ये कूलिंग कॉइल आपका एक्टिव नहीं होगा. ये डीएक्टिव yes. ठीक है ये डीएक्टिव रहता yes. है और डायरेक्टली जाता है ह्यूमिडिफायर पे एंड कूलिंग कॉइल पे. ह्यूमिडिफायर और हीटिंग कॉइल से ह्यूमिडिफाई होता है, हीटेड होता है, फैन के थ्रू चला जाएगा. इफ द कंडीशन इज समर कूलिंग कॉइल आएगा ह्यूमिडिफायर हट जाएगा. ह्यूमिडिफायर विल डीएक्टिवेट कूलिंग कॉइल आएगा वहां पे कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन होगा स्लाइटली हीटिंग होगा और देन वो फिर कंडीशन इस केस पे चला जाएगा. कोई डाउट है इसमें सर? हाँ जो वाटर पार्टिकल्स रिमूव करते थे सर हम लोग समर एयर कंडीशनिंग में सम्प लगाया था. हाँ हाँ मॉइस्चर कंडीशन फिर इसमें कैसे होगा वो? इसमें वो टेक्निक इसमें भी रहता है. वो यहाँ से ड्रेन होता है ठीक है. यहाँ से जो रहता है ना वो ड्रेन okay. होता है. लेकिन दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ एयर राउंड एयर कंडीशनिंग. ये आपको एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करता है. इसमें देखो प्री हीटर भी नहीं है. प्री हीटर भी नहीं है तो इसके वजह से ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है. लेकिन अपन इसको इसी तरह से रखे हुए हैं. इसमें सम्प रहता है. सम्प इज अवेलेबल. सम्प के लिए आप नहीं कर सकते. सम्प इज अवेलेबल ओवर हियर ठीक है. ड्रेन किया जाता है. आगे बोलो. फिर फैन के थ्रू कंडीशन स्पेस में जाएगी और रिसर्कुलेट होगी 80-70% बाकी की वॉल्स के थ्रू बाहर जाएगी. फिर मिक्सिंग होगा. फिर साइकिल कंप्लीट रिपीट. कंप्लीट हुआ सिर्फ डायग्राम ध्यान में रखना है. आप लिख तो दोगे ही. लिखना इम्पोर्टेंट नहीं. तीनों में इम्पोर्ट ये क्या हो गया? डिफरेंस क्या हो गया? पहले याद दिला देता हूँ. सबसे पहले देख लो समर विंटर एयर कंडीशनिंग. विंटर एयर कंडीशनिंग में फिल्टर तक सेम डायग्राम बनेगा. डायग्राम का स्ट्रक्चर सेम रहेगा. उसके बाद प्री हीटर रहेगा. उसके बाद लगेगा प्री हीटर. प्री हीटर के बाद आप लगाते हो उसमें ह्यूमिडिफायर और देन ह्यूमिडिफायर हीटर रेड कॉइल. हां एयर राउंड में भी सेम ही है. सिर्फ यहां पर आप जो लिखे हो ये इसको प्री हीटर की जगह पे इसको लिख दोगे कूलिंग कॉइल. कूलिंग कॉइल. बाकी देखो विंटर और ईयर राउंड दोनों का डायग्राम सेम है. सिर्फ यहाँ पर आपको लिखना है. यस सर. क्लियर हो गया? यस सर. समर एयर कंडीशनिंग. समर एयर कंडीशनिंग में क्या हो जाएगा? समर एयर कंडीशनिंग में आपको क्या लग जाता है? सिर्फ कूलिंग कॉइल रहता है. ये हट जाता है. ह्यूमिडिफायर निकाल देना है. ह्यूमिडिफायर निकाल देना है. यहाँ पर सम दिखा देना है. वहाँ पे सम दिखा देना है. खत्म. यस सर. ओके दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. पढ़ना है तो पढ़ लो. मैं पढ़ के बताऊं? जाने दो सर. न्यूमेरिकल ले लो. अभी न्यूमेरिकल लेट है.
नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड चले लीजिए फिर थोड़ा वार्तालाप करते सर। ये हो गया क्या? चलो पहले वार्तालाप ले लेंगे, इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? मेरे को नहीं सर, पहले ले लो सर। नहीं नहीं सर, पहले ले लो सर, पहले ले लो, उसके बाद वो रिकॉर्ड बंद करना पड़ेगा सर। सर पहले ले लो, फिर अपन बात करते थोड़ा, मतलब ऐसा अच्छा लगेगा। हो गया टेंशन। ओके 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 ओके, ये हो गया क्या यहाँ तक? इसको पढ़ के मैं बताओ या आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। सर आगे बढ़िए सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, नहीं मैं पीडीएफ तो दे ही देता हूँ ना आपको। हाँ ओके, चलो पढ़ो क्वेश्चन। एन एयर कंडीशनिंग, एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इज डिजाइन फॉर ए स्मॉल ऑफिस। अब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा ये पॉइंट। एग्जांपल नंबर 7, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आपका प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल याद कीजिए जिसमें आपको बोला था मैंने। हाँ सर, कूलिंग लोड निकालना है। कूलिंग लोड निकालना है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कूलिंग लोड का मेजर प्रॉब्लम। तो सबको अपने अपने घर का कूलिंग लोड निकालना है और निकाल के आपको कंप्लीट करके देना है। आपका एक प्रैक्टिकल में देखो घर बैठे बैठे करवा रहा हूँ, आपको अपने घर का कूलिंग लोड निकालना है। टेम्परेचर कैसे लेंगे सर? आपके घर का टेम्परेचर कितना रखना चाहते हैं? इफ डाटा इज नॉट गिवन आई विल प्रोवाइड यू व्हाट इज द डाटा यू टेक। 21 डिग्री सेल्सियस 55% रिलेटिव। देखो याद है बच्चों को? यस। इनसाइड कंडीशन, आउटसाइड कंडीशन, मोबाइल ऑन कीजिए और आज का कंडीशन नोट कर लीजिए, वही हो गया आपका। ओके सर। साइकोमेट्रिक चार्ट आपके पास है? अब ये मत बोलना नहीं है, है आपके पास? नहीं नहीं है सर, लेकिन है। नहीं है सर, अरेंज कर लो। आउटडोर कंडीशन इज गिवन, ठीक है? यस। रिक्वायर्ड इंडोर कंडीशन इज आल्सो गिवन। अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेशन 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। सेटिंग कैपेसिटी ऑफ ऑफिस 50 persons. The required condition is achieved first by heating and then by adiabatic humidifying. चलो अब step by step आप बताओ मुझे क्या करना है। सर सबसे पहले given लिखेंगे अपन outdoor condition। हाँ दिया है ना, बता outdoor condition is given है। हाँ given लिखे, फिर indoor condition भी लिख लोगे। आगे बोलो आप क्या करें। V को convert कर लेंगे 0.25 आप answer। V को कन्वर्ट कर लेंगे, V इज इक्वल टू आएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाय 60। कितना आता है आंसर? 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड। 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड। आगे बोल दो। द रिक्वायर्ड कंडीशन डायरेक्टली अभी प्लॉट करते सर। डायरेक्टली अभी प्लॉट करते। ओके चलो प्लॉट करते हैं, जल्दी बताओ, लिख लो ना कहीं पे, फिर बार बार मेरे को इस स्लाइड पे नहीं। लिख लिया सर, लिख लिया सर। हाँ चलो बताओ, आउटसाइड कंडीशन क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस डीबीटी। 10 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 8 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी। 8 हाँ, 8 दिस इज 5। ओके 6 7 8 8, कैन वी से दिस इज आवर पॉइंट? यस। दिस इज आउट ऑफ कंडीशन। इंडोर कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी सही है क्या? यस सर। अच्छा प्रोसेस क्या बोला है वो देखना पड़ेगा। हीटिंग एंड एडियाबेट, फर्स्ट बाय हीटिंग एंड देन एडियाबेट humidifying, cooling with the humidity। yes सही है, cooling with humidification। हाँ तो कैसे करेंगे draw, कैसे करना है वो बता दो मुझे। पहले right side में जाएंगे sir, horizontal first। पहले right side में horizontal जाएंगे, very good। पहले right side में horizontal जाएंगे, थोड़ा सा इसके नीचे आप लोग straight draw करना, मेरे से नहीं हो रहा। कहाँ तक जाएंगे सर? वो ऊपर ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, एडियाबेटिक है ना। हाँ अब क्या करूँ? स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन स्लाइंट लाइन स्लाइंट लाइन सर स्लाइंट लाइन सर क्यों क्योंकि अब हो रहा है प्रोसेस सेकंड प्रोसेस इज एडियाबेटिक मॉडिफिकेशन सो कैन वी से दिस इज आवर पॉइंट नंबर ए यस सर ये पहले हो गया देख लो अभी पहले हो गया हीटिंग बाद में हो गया ह्यूमिडिफिकेशन ठीक है यस सर अब बता दो मास कैसे निकालोगे m dot a is equal to v a upon v upon specific volume of a clear yes yes sir okay next kya pucha hai heating capacity of the coil in kilowatt बराबर कॉइल की हीटिंग कैपेसिटी यस कैसे निकालोगे जल्दी फार्मूला सिर्फ मेरे को फार्मूले से मतलब है सो q is equals to ma into ma into h a minus h i h o o वेरी गुड h a minus h i h a minus h o h o h i h o h o सॉरी h o गुड m a into h a minus h o क्लियर हो गया निकाल लोगे सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत है नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा है बायपास फैक्टर दिया है टेंपरेचर इफ बायपास फैक्टर इज 0.3 चलो बायपास फैक्टर का फार्मूला बताओ सर वो डायग्राम बताओ तो कैसे है ये क्या हो गया ओ आई के ओ आई ओ ए ADP J minus DBT A minus DBT A minus ADP सबसे बड़ा टेंपरेचर हीटिंग हो रहा है अरे टीवी बंद करो या फिर हाँ DBT माइनस यहाँ पर जो है सबसे बड़ा टेंपरेचर कौन हो रहा है नाउ द प्रोसेस इज हीटिंग हाँ सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा टेंपरेचर ADP का होगा H A minus ADP सर ADP ADP के बाद H A उसके बाद O DBT A A सर फिर O DBT हाँ अब बता दो जल्दी फॉर्मूला क्या होगा बायपास फैक्टर ADP माइनस DBT A वेरी गुड ADP माइनस DBT A अपॉन फिर ADP माइनस DBTO एक मिनट हाँ DBTO बोलो कुना नहीं समझा सर नहीं समझा सर अच्छा क्या होता था अपना लॉसेस जो होगा डिवाइडेड बाय जितना आप गेन करना चाहते हैं बराबर हाँ ओके लॉस क्या हो रहा है ये चाहता था ADP बनना ओ के कंडीशन से चाहता था कि ADP बन जाए लेकिन एक्चुअल में बन क्या गया A तो लॉसेस क्या हुआ ADP माइनस A लॉसेस हुआ ना A माइनस ADP लिखते थे ना लेकिन बड़ा टेम्परेचर कौन है नेगेटिव आ जाएगा ना सर वो कूलिंग में लिखते थे ना कूलिंग कॉइल देखो कूलिंग कॉइल में क्या हो जाता था कूलिंग कॉइल में सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन लेट्स से ओ ए ADP ये कूलिंग कॉइल के लिए अगर कॉइल इफ कॉइल विल कूलिंग ओके कूलिंग कॉइल होता तो अब बताओ मुझे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कौन होता है इसमें इसमें सबसे मैक्सिमम ओ ओ ओ डीबीटी ओ डीबीटी ए डीबीटी ए फिर और उसके बाद एडीपी एडीपी तो आप लिखते थे क्या इसका अचीव क्या करना चाहता था ये एडीपी लेकिन बन क्या गया ए ठीक है तो लॉसेस क्या हुआ अब इसमें ए बड़ा ए माइनस एडीपी ए माइनस एडीपी लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका सेम आएगा याद रखो ये भी फॉर्मूला यूज किए ना तो आंसर सेम ही आने वाला है आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है बस लिखने का तरीका सिंबल ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ADP माइनस A क्लियर हुआ क्या ये नहीं हुआ कुणाल बोलो फिर से समझाऊंगा हुआ सर हो गया ADP माइनस A डिवाइडेड बाय ADP माइनस O DBT O क्लियर हुआ यस सर ओके DBT A इज गिवन DBT O इज गिवन गिवन मतलब आप निकाल सकते हो बायपास फैक्टर इज गिवन ADP का वैल्यू निकल जाएगा कोई दिक्कत
नहीं सर। चलो लास्ट प्रॉब्लम लास्ट है, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिफायर, हाउ टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिफायर, जल्दी देख के बताओ। डेल्टा ओमेगा इनटू मास ऑफ एमए एक मिनट, कैपेसिटी पूछा है एफिशिएंसी पूछा है, कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिफायर कैसे निकालोगे? ओमेगा आई माइनस ओमेगा ए एम डॉट ए इनटू डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा किसको लोगे? ओमेगा आई माइनस ओमेगा ए, ओमेगा आई माइनस ओमेगा ए, ओमेगा आई माइनस ओमेगा ए, वेरी गुड, ओमेगा आई माइनस ओमेगा ए। कोई डाउट है तो बोलो। That's all. आज का जो है वो आपका यहीं तक कंप्लीट हो रहा है। ओके कल के लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट है कल का लेक्चर, अच्छा एक और न्यूमेरिकल, ठीक है कल ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ज़्यादा स्लाइड बचा नहीं है, थोड़ा सा है और 25 स्लाइड तक है, तो अभी अपन पहुँच चुके हैं 18 स्लाइड तक, मतलब 16 तक आपका यूनिट कंप्लीट होने पर आ जाएगा। लास्ट एक थ्योरी लेक्चर लूंगा मैं जो कि ह्यूमन कंफर्ट पे लूंगा, वो पूरा थ्योरी रहेगा, उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। लेक्चर नंबर 7 हो गया, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9 न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, लेक्चर नंबर 10 कंप्लीटली आपका ये रहेगा, क्या कहते हैं, थ्योरी लेक्चर रहेगा, थ्योरी लेक्चर ह्यूमन कंफर्ट पे, ह्यूमन कंफर्ट पूरा थ्योरी लेक्चर रहेगा। बहुत मजा आता है वो ह्यूमन कंफर्ट पढ़ने में, एकदम बोर नहीं होने दूंगा थ्योरी लेक्चर होने के बाद भी। ओके ओके आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।